नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो तीन खबरें लेकर आए हैं, बेसिक से जुड़ी खबरें हैं। चलिए हम आपको ये खबरें बता देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में दबा सकते हैं बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक दो खबरें जल्दी से फटाफट। तो सबसे पहले अगर हम बताना चाहेंगे तो आज 1 जुलाई है, सभी विद्यालय खुल गए हैं, सभी को स्कूल जाना है, बच्चों को अध्यापकों को स्कूल जाना है। लेकिन दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण सभी प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों की छुट्टी 8 जुलाई तक कर दी गई है। 8 जुलाई तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे, लेकिन और नहीं है, बाकी सभी जगह पर विद्यालय 1 जुलाई से खुल रहे हैं, अध्यापक और शिक्षक 1 जुलाई से विद्यालय में मौजूद रहेंगे। तो ये खबर है बच्चों के लिए और अध्यापकों के लिए। लेकिन बाकी की जो खबर है दोनों, वो हम बताते हैं आपको शिक्षा मित्रों के बारे में और अनुदेशक के बारे में। शिक्षा मित्रों के बारे में सबसे पहले बताएं तो एक बैठक जिला आगरा में जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चौगर ने डाइट कार्यालय पर ली और वहाँ पर सभी शिक्षा मित्रों को बुलाया, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को बुलाया, आगामी रणनीति तैयार करी। नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मन की बात के द्वारा पोस्ट कार्ड भेजने की बात, एक नई मुहिम चलाने की उन्होंने कही है कि शिक्षा मित्र पोस्ट कार्ड के द्वारा अपनी मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। इसके लिए वो पोस्ट कार्ड से अपनी मन की बात लिख के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाएंगे। वैसे तो जितेंद्र साई जी ने भी कहा था कि आप अपने एक लेटर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए भेजिए, 1 लाख लेटर वहाँ पहुँचने चाहिए। तो संगठन भले ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के कार्य एक ही हैं, दोनों ही प्रधानमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। इस बैठक में जो खास बात रहा कि उन्होंने अपनी जिला कार्यकारिणी में थोड़ा सा बदलाव किया, उसको सचिव पद से हटा के उसका प्रमोशन करके उसको महामंत्री बनाया है। ऐसे कई पद उन्होंने बदले हैं। मेन सबसे जो रहा कि उन्होंने 11 सदस्यीय एक टीम बनाई जो मार्गदर्शन करेगी जिलाध्यक्ष की टीम को, जिसके जिलाध्यक्ष यानी जिसके जो मेन होंगे वो आपके चाहर जी इसके अध्यक्ष रहेंगे। के बाद जो अगली खबर है वो है अनुदेशकों के बारे में। अनुदेशकों ने जिला बहराइच में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी को ज्ञापन दिया, बताया कि सरकार ने किस तरीके से उनका 8,470 से घटा के मानदेय 7,000 कर दिया गया है। इस 7,000 को लेके काफ़ी विरोध जताया जा रहा है अनुदेशकों के द्वारा, तो इसी के तहत ये ज्ञापन दिया गया। लेकिन उनका शब्द थोड़े निराशाजनक थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई उस हिसाब से हमें ये लगता है कि सरकार अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की विचार नहीं कर रही है और आगे की समस्याएं और भी विकट हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने सभी जिलाध्यक्ष और उनके यहाँ भी शायद 2-2, 3-3 जो भी हों प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सभी प्रदेश अध्यक्ष से एक साथ होकर 2 जुलाई के बाद आंदोलन करने की बात कही है कि 2 जुलाई के बाद सभी लोग एकजुट हो जाएँ और सरकार से अपनी मांग रखें, अन्यथा की स्थिति में आगे जाकर बहुत ही विकट समस्या आने वाली है। तो दोस्तों बस ये थी आज की खबरें जो आज हमने आपको दी। हम ऐसी ही अपडेट आपको देते रहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट में लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।